हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका एग्जाम SSC GD का हो या फिर कोई और दूसरा एग्जाम हो। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जितनी भी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज की, उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, यदि फ्रूट को 6, 18, 21, 9, 20 लिखा जा रहा है तो स्टीम को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि फ्रूट के साथ में क्या रिलेशन बनाया गया है 6, 18, 21 और 9 और 20 का। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पे इस कोड की, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपको सभी अल्फ़ाबेट के नंबर्स पता हैं कि एफ कौन से नंबर पे आता है। एफ यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 6 लिखा गया है। आर आपका 18वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 18 लिखा गया है। यू आपका 21 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 21 लिखा गया है। और आई आपका 9 नंबर पे आता है, तो 9 लिखा गया है। और टी आपका 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 20 लिखा गया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि फ्रूट के लिए अगर 6, 18, 21 और 9, 20 का कोड यूज किया गया है तो स्टीम के लिए कौन सा कोड यूज किया जाएगा। तो देखिए, स्टीम के लिए यहाँ पे आपका कोड बन जाएगा, ऐसा आता है आपका 19 नंबर पे, तो यहाँ पे मैं 19 लिख लेता हूँ। टी आपका आता है 20 नंबर पे, तो यहाँ पे मैं 20 लिख लेता हूँ। ई आपका आता है 5 नंबर पे, तो 5 मैं लिख लेता हूँ। एम आता है आपका 13 नंबर पे, तो मैं 13 लिख लेता हूँ। तो ये वाला कोड बन के आ जाएगा स्टीम के लिए। तो देखिए, आप कौन सा ऑप्शन है 1920 1920 1920513। तो देखिए, ये वाला कोड आप एक बार मैच करके देखिए, 1920513 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप देखिएगा ध्यान से कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ड्यू को 32 लिखा गया, तो रेड को क्या लिखा जाएगा। तो ड्यू को 32 कैसे लिखा गया है, यहाँ पे भी आपको अल्फाबेट का ही रोल है, मतलब पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में भी। डी आपको पता है 4 नंबर पे आता है, तो 4 आपने लिखा डी के लिए। ठीक है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे आता है, आपने 23 लिख दिया। इन सभी को प्लस करिए, कितना आएगा, तो इन सभी को प्लस करने पर आपका देखिए 5 और 4 9 9 और 23 कितना हो जाएगा 32। तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ड्यू को 32 कैसे लिखा गया है, इन सभी अल्फाबेट के नंबर्स को प्लस करके। वैसे ही आपको रेड को लिखना है, रेड आपका देखिए आर आता है आपका 18 नंबर पे, तो 18 आपको लिख लेना है। ई आपका 5वें नंबर पे, तो आपको 5 प्लस कर लेना है। और डी आता है आपका 4 नंबर पे, तो 4 प्लस कर लेना है। तो 5, 4, 9, 9 और 18 कितना हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, ये जो आपके एनालॉजी के क्वेश्चन हैं इसी तरीके से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, धन का अगर दुरुपयोग हो सकता है, ये मतलब इस तरीके से कोड किया गया है, तो लेखन का क्या होगा। तो लेखन का देखिए, जो साहित्य की चोरी होती है वो लेखन, मतलब लेखन की चोरी की जा सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य की चोरी हो सकती है। जैसे धन का दुरुपयोग हो सकता है, वैसे लेखन की चोरी हो सकती है, यानी कि साहित्य की चोरी हो सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कोड भाषा में इस कोड को का अर्थ है सी इज ब्रेव, और इस कोड का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, इस कोड का अर्थ है इज ऑलवेज चेयरफुल स्माइलिंग शब्द के लिए कोड का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो आपने देखा ये कुछ कोड यूज किए गए हैं किसके लिए, जैसे ये आपका सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस के लिए ये कोड यूज किया गया है, इस सेंटेंस के लिए ये कोड यूज किया गया है, और इस सेंटेंस के लिए ये कोड यूज किया गया है। तो आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही आप यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, यानी कि अलग से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए। आपने जैसे यहाँ पे लिखा था सुरीनिक, ये आपका लिखा है नाइक, और सी इज ऑलवेज ब्रेव, ये जो लिखा गया है बिल्कुल आपने वैसे उसके सामने लिख लिया। अब यहाँ पे बात आती है जो लिखा है SUE, ये आप देखिए किसी दूसरी लाइन में आपको नजर आ रहा है, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में नहीं आ रहा ना, इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए मतलब।
फिर यहाँ पे आर ई लिखा है, आर ई देखिए किस किस लाइन में है, आर इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है। तो आपको क्या करना है, आर ई इन तीनों लाइन में है, तो आपको एक वर्ड ऐसा देखना है कि जो इन तीनों में, इधर मतलब इधर भी है, इधर आ रही है, तो इधर तीनों में हो, तो इधर इसमें इज है, इज है, इज है, और कोई भी दूसरा ऐसा वर्ड नहीं है जो मतलब पूरे तीनों में शो हो रहा हो, तो आर ई के लिए इज का मतलब कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आर ई को इस तरीके से कर देना है और इधर इज को इस तरीके से कर देना है। तो इससे हमें पता चल गया आर ई का कोड क्या है, इज है, सॉरी इज का कोड क्या है, आर ई है। फिर यहाँ पे जो लिखा है नाइक, तो यहाँ पे देखिए जो ये लिखा है एन आई के देखिए आप इस लाइन में है और इस लाइन में, तो आपको देखना है इस लाइन में और इस लाइन में क्या चीज़ कॉमन है, सी, तो सी के लिए एन आई के आपका कोड हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये पूरी हमारी लाइन ख़त्म हो गई। अब पहले में आपको आर ई का कोड मिल गया, एन आई के का कोड मिल गया, तो एस यू ई का कोड आपका ओब्वियसली ये ब्रेव हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पूरी लाइन का काम आपको ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे आर ई का पता चल गया, एन आई के का पता चल गया, पी आई किसी दूसरे उसमें है, नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। एस ओ आर इस लाइन में, इस लाइन में, दोनों में कॉमन क्या है, ऑलवेज, इसमें भी ऑलवेज है, इसमें भी ऑलवेज है, तो इसका मतलब इन तीनों का आपको कोड पता चल गया, सी का भी, इज का भी, ऑलवेज का भी। तो स्माइलिंग का जो एफ पी आई बचा है, तो स्माइलिंग का कोड हो जाएगा ओब्वियसली है ये, तो यहाँ पे पी आई कोड हो जाएगा स्माइलिंग का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, पी आई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और कोई सा कोड पूछा जाता, ठीक है, चेयरफुल का, तो ये आपका हो जाता है जेड एच आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस ओ आर का भी कोड मुझे मतलब मिल गया और आर ई का भी मिल गया, तो जेड एच आई आपका पता चल जाएगा चेयरफुल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा से कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था, यानी कि एक क्वेश्चन भेजा था कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस कराइए, तो मैं आपको यही क्वेश्चन करा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कितने शिक्षित लोग नौकरी पैसा है, नौकरी पैसा है कितने शिक्षित लोगों पर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये किसके लिए है, शिक्षित के लिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये चीज़ आपने मतलब हमने खुद ने नहीं बनानी है, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। नौकरी पैसे के लिए आपके लिए ये सर्किल यूज किया गया है, और ग्रामीण के लिए ये वाला। आपसे पूछा गया है कितने शिक्षित लोग नौकरी पैसा है, तो देखिए शिक्षित लोग तो ये है और नौकरी पैसा कौन सा है, ये है। तो आप ये देखिए कि दोनों के दोनों जो डायग्राम है, ये त्रिभुज वाला और ये सर्किल वाला, कौन से को कवर करते हैं, कौन सी संख्याओं को कवर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं देखिए इस सिक्स की और ट्वेल्व की, सिक्स की और ट्वेल्व की, तो यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा जो है, ये नौकरी पैसे पैसा भी है और शिक्षा का भी, शिक्षित भी है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि कितने शिक्षित लोग, तो शिक्षित लोग तो ये हो ही गए दोनों के दोनों, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं ये दोनों के दोनों, ये आपके 6 और 12, नौकरी पैसा भी है, ठीक है, तो ये वाली आपकी कवर हो जाएगी। तो 12 और 6 18, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ चेक करनी होती है कि कितना पोर्शन, मतलब जो पूछा जाए कि कितने शिक्षित लोग, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कितने शिक्षित लोग ग्रामीण और नौकरी पैसे वाले हैं, ये भी पूछा जा सकता था, तो वो कौन सा होता, वो केवल आपका ये 6 होता। क्यों होता 6, क्योंकि इसमें देखिए शिक्षित भी आ गया, इसमें नौकरी वाले भी आ गए, और इसमें पैसे वाले भी आ गए, तो ये मतलब ग्रामीण भी आ गए, तो यही एक पोर्शन ऐसा था जिसमें तीनों के तीनों डायग्राम एक दूसरे को कट कर रहे थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये है ब्लड रिलेशन से, तो इसमें एक हम डायग्राम बना के आपको समझाएंगे कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यहाँ पर बोला गया एक्स और वाई भाई भाई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स और वाई को आप चाहे कहीं पे भी लिखे प्लेन पेपर पे, उनको दोनों को भाई भाई से डिनोट कर दीजिए, यानी कि दोनों को एक ही लाइन में ड्रॉ करिएगा। ये नहीं कर सकते हम एक्स को यहाँ पे लिख दिया और उसके नीचे वाई लिख दिया, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि दोनों के दोनों एक ही जनरेशन के हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं, और दोनों को आपने प्लस से के साइन से डिनोट कर दिया, क्योंकि दोनों मेल मेंबर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है, अगर आर वाई का पिता है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो आर का पुत्र ये वाई हो जाएगा, और ये एक्स का भी मतलब आर का पुत्र एक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों एक्स और वाई पुत्र हो जाएंगे किसके, आर के। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है एस टी का एक लौता भाई है, एस जो है वो टी का एक लौता भाई है, एस टी का एक लौता भाई है, यानी कि एस और टी
भाई भाई है। अब यहाँ पे ये नहीं, भाई भाई नहीं बोल सकते क्योंकि बोला गया एस टी का भाई है, तो टी क्या है अभी इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है कि टी एक मेल है या फीमेल है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इकलौता भाई है और एक्स का मामा है। तो देखिए यहाँ पे अब क्लियर हो गया है कि एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो ये इसका मामा हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका पुत्र है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं अभी टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये इसका, ये दोनों मतलब बहन भाई हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, बट अभी मैं आपको कंडीशन क्लियर करूँगा पूरी। अगर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक्स जो है एस का मतलब एस जो है वो एक्स का मामा है, अगर ये इसका मामा होगा और ये इसका बेटा है तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। समझा आप इस चीज़ को, दोबारा से बताता हूँ, ये एक्स का यानी कि एस जो है वो एक्स का मामा है, अगर एस एक्स का मामा हुआ, ठीक है, और ये किसका पुत्र है, इसका पुत्र है, तो इसका मतलब इसका भी तो बेटा होगा ना, ठीक है, और इसका अगर बेटा है, ये इसका भाई है, तो तभी तो इसका मामा हुआ, तो ये आर की पत्नी हो जाएगी, टी जो है आर की पत्नी हो जाएगी, एक फीमेल मेंबर हो जाएगी, तो यहाँ पे मतलब हम साइन कर देंगे माइनस का, ठीक है। और पूछा क्या गया है, आरेखा से स्पष्ट है कि टी आर की पत्नी है, तो टी आर की पत्नी हो जाएगी आपके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। भाई एक बार फिर मैं क्विकली आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया था, एक्स वाई का भाई है, ये इसका पिता है, तो ये दोनों का, ये दोनों किसके पुत्र हो जाएंगे, आर के। अगर ये दोनों आर के पुत्र हैं और एस इनका मामा है, इन दोनों का मामा कौन है, एस है, तो आप मुझे ये बताइए जो बीच में आएगा ये किसी न किसी मतलब कोई ना कोई तो इनकी माता भी होगी। अगर इनकी हम माता को टी को इन दोनों की माता बनाते हैं तो तभी तो ये जाके मामा बनेंगे ना इसके, ठीक है। अगर ये इसके मामा हुए तो फिर ये इसकी पति हो जाएंगे, यानी कि इनकी पत्नी हो जाएगी टी आर की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टी आर की पत्नी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और उसमें है कथन निष्कर्ष से, कुछ ओस बूंदे हैं, सभी बूंदे पत्थर हैं, कुछ ओस बूंदे हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए ओस का आपने एक गोला बनाया, फिर कुछ ओस बूंदे हैं आपने हल्का सा कट लगा के बूंदे बना दिया, फिर बोला है सभी बूंदे पत्थर हैं, तो सभी बूंदों को पत्थर से इस तरीके से गोल कर दिया, ठीक है। तो सभी आपका ओस हुआ, सबसे पहले ओस का कुछ भाग आपका बूंद हुआ और सभी बूंदे आपके पत्थर हो गए, इस तरीके से आपका पूरा ये वेन डायग्राम बन जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कम से कम कुछ ओस पत्थर है और कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, तो कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं, देखिए कुछ ओस जो है वो पत्थर हैं, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ ओस पत्थर हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, पहले राइट हो जाएगा। कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, तो कुछ पत्थर भी बूंदे हो जाएंगी क्योंकि पत्थर और क्योंकि सभी के सभी बूंदे जो है वो पत्थर हैं, तो कुछ पत्थर तो बूंदे ऑब्वियसली हो ही जाएंगी, तो ये आपके दोनों ही कंडीशन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा, देखिए दोनों सही है, तो या तो यहाँ पे है कि निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कम से कम की बात की जाए या फिर यहाँ पे बोला जाए कुछ ओस पत्थर है, तो ये वो कंडीशन और कम से कम वाली कंडीशन दोनों सेम ही होती है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि कम से कम बोल दिया गया, अब कुछ का तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे तो कुछ आना चाहिए था, तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर दिशा में 10 मीटर गया और बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़ा 25 मीटर चला, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए जब भी आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहली लाइन को पढ़िए और जहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है वहाँ पे रुक जाइए। एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, तो यहाँ पे रुक जाइए और उसको सबसे पहले उत्तर दिशा आपको पता है ऊपर की साइड में जाना है, तो 10 मीटर चला दीजिए, तो आप 10 मीटर चले, ठीक है। यहाँ पे आप आ चुके हैं 10 मीटर चलने के बाद, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला, अब बाईं ओर घूमेगा, आप मुझे बताइए लेफ्ट साइड कौन सी होगी। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट होगा यही इसका भी वही लेफ्ट होगा, यानी कि इसका भी वही बाएं होगा, जो आपका दाएं होगा वही इसका दाएं होगा, तो अपने लेफ्ट साइड में मोड़ दीजिए बाएं साइड में, तो ये 25 मीटर यहाँ पे चल दिया, यहाँ से चला और यहाँ तक आ चुका है। चलिए फिर बोला जा रहा है 25 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ा, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। दोस्तों एक गलती हो गई यहाँ पे, ये मैं आगे नहीं जाना है,
ये आपको क्या करना है, यहाँ तक ही जाना है सिर्फ, ठीक है। 25 मीटर बाई ओर ये मुड़ा, अब ये दाई ओर मुड़ेगा तो तब जाके 5 मीटर इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एक्चुअली बात ये है कि मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो आप यहाँ पर माफ़ करिएगा। देखिए यहाँ पे दोबारा से मैं बता देता हूँ, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर की दिशा में 10 मीटर चला, तो यहाँ पे 10 मीटर वो चला, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वो चला, ठीक है, उत्तर दिशा में। फिर बोला जा रहा है बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, तो आपका बाईं साइड यही रहेगा, मतलब हमने स्टेप सारे सही लिए थे, बट वो आगे चल के ले दिया मैंने, 25 मीटर चला यहाँ पे वो मुड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ा। देखिए अगर वो यहाँ पे आने के बाद में दाईं ओर मुड़ेगा, राइट साइड में मुड़ेगा, फिर यहाँ पे 5 मीटर चलेगा, उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है तो आपको बताना है। देखिए यहाँ के बाद वो दाईं ओर मुड़ेगा, फिर वही आपकी उत्तर दिशा में जा रहा है, और इसके बाद दाईं ओर मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा, तो अभी वो पूर्व दिशा में जा रहा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं और उसको मैं करेक्ट कर लेता तो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ट्राई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये कैसे होगा, देखिए सी को लिखा गया है, ये जो आपके त्रिभुज दिए गए हैं बहुत सारे, इसमें लिखा गया सी बटे 24, 22 बटे ई, एच बटे 19, 15 बटे एल, क्यू बटे 10, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, कुछ क्रॉस कोडिंग चली है। कैसे चली है क्रॉस कोडिंग, देखिए सी में से अगर सी से हम नेक्स्ट टू स्टेप चले यानी कि +2 कर दे तो आपका ई आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस आपका 2 हो गया, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, इसमें देखिए -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे -2 हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो इसमें आपको +3 कर देना है, सॉरी, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको क्या कर देना है, +4 कर देना है, सॉरी +3 कर देना है। मतलब यहाँ पे देखिए जो ये वाली सीरीज है ना, ये तो माइनस चलने वाली है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे -2 किया गया, यहाँ पे -3 कर दिया गया, फिर -4 कर दिया गया, फिर -5 कर दिया गया, ठीक है। तो अब की बार आपको क्या करना है, -6, तो -6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब आपकी समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, +2 कर दिया गया, +3 कर देंगे, +4 हो जाएगा, +5 कर देंगे, +6 करेंगे तो क्या आएगा, Q में +6 करेंगे तो W आ जाएगा, तो यहाँ पे 4/W हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना, एक बार और बता देता हूँ जल्द से जल्द। देखिए यहाँ पे क्या गया है, -2, -3, -4, -5, -6, तो -6 करेंगे 4 आ गया। यहाँ पे क्या करना है, +2, +3, +4, +5, +6, तो +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, W। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, 4/W राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर समझ में आया तो बता दीजिएगा।